आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDR न्यूज, मैं हूँ चांदी। पूर्णिया में शिक्षण संगोष्ठी का हुआ आयोजन। यह आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल की पूर्णिया इकाई द्वारा आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी का विषय समर्थ भारत के लिए समक्ष शिक्षा, चुनौतियों एवं संभावनाएं रखा गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई यह संगोष्ठी। शहर के कला भवन में भारतीय शिक्षण मंडल की पूर्णा इकाई द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस संगोष्ठी में शिक्षण मंडल के संयुक्त महामंत्री व RSS के जिला संघ संचल वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गीत व दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कार्यक्रम के अंत में प्रेस वार्ता कर संगोष्ठी के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। भारतीय शिक्षण मंडल का जो कार्य है वो कार्य है शिक्षा की व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप पैदा हो जो भारत को फिर एक बार अपने गौरवशाली स्थान को प्राप्त करा दे। और इस दृष्टि से जो दो प्रकार के काम भारतीय शिक्षण मंडल कर रहा है उस पर वैचारिक गोष्ठी आज यहाँ आयोजित की गई। पहला तो कार्य भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा ये किया जा रहा है कि अपने जो प्राचीन गुरुकुलों की परम्परा थी, जिन्होंने भारत को एक समय विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया था, जिसमें से नालंदा तक्षशिला जैसे गुरुकुल तैयार हुए थे, ऐसे गुरुकुलों की जो पद्धति है उस पर वैज्ञानिक रिसर्च के साथ भारतीय शिक्षण मंडल ने काम किया है कि आज के युग में युगानुकूल रूप में गुरुकुल कैसे होना चाहिए, जो आज के लिए ठीक हो। जो पुराने समय में था वैसा का वैसा आवश्यक नहीं है, तो उस युगानुकूल गुरुकुल की रचना को लेकर के शिक्षण मंडल काम कर रहा है। आज पूरे देश में 16 ऐसे गुरुकुल भारतीय शिक्षण मंडल की परंपरा से चल रहे हैं और आने वाले समय में 40-50 और खुलेंगे, और उसके साथ साथ अन्य परंपराओं में चलने वाले गुरुकुलों को भी साथ में जोड़ करके वहाँ भी समग्रता आए, युगानुकूलता आए, केवल प्राचीनता नहीं रहे। ये एक काम भारतीय शिक्षण मंडल का पूरे देश में चल रहा है। और दूसरा काम ये चल रहा है कि जिसको हम आधुनिक कहते हैं, ये जो एक फैक्ट्री एजुकेशन चल पड़ा है देश में, इसको कुछ लोग मैकॉले भी कहते हैं, वास्तविकता में ये जर्मनी से शुरू हुआ था 16वीं-17वीं शताब्दी में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शिक्षित नौकर चाहिए थे, उसके लिए वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है। उसमें समग्रता कैसे आए, उसमें केवल जानकारी और मेमोरी के स्थान पर और बातें भी, शरीर मन बुद्धि का समग्र सर्वांगीण विकास होने वाली 360 डिग्री एजुकेशन कैसे आए, उसके लिए भी भारतीय शिक्षण मंडल काम करता है। उसके लिए हमने EQIP एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, सुगुणा गुणवत्ता सुधार आयोजन, ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जिससे हम आधुनिक स्कूल में भी ये सारी बातें ला सकते हैं। तो ये दोनों काम भारतीय शिक्षण मंडल करता है, पुराने गुरुकुलों का पुनर्जागरण, पुनः प्रतिष्ठा, और आधुनिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का एक तरह से गुरुकुलीकरण, समग्र शिक्षा वहाँ पर हो, जिसके माध्यम से भारत फिर एक बार अपने गौरवमय स्थान को प्राप्त करे। यह भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य। पूर्णिया में पिछले 2 वर्षों से कुछ युवा साथी मिलकर के इस काम को कर रहे थे। आज उनके प्रयास से सारे पूर्णिया के विद्वज्जन शिक्षाविद यहाँ पर एकत्रित हुए और उनके सामने इस विषय की चर्चा भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से करने का अवसर मुझे मिला।